बजरो राम राम नमस्कार। हम बैठे हैं सदर बाजार कैंट बोर्ड छावनी परिसर झांसी। कैंट बोर्ड सदर बाजार के अंदर नारायण चाट भंडार काफी सालों से प्रशंसनीय है, अपने आप में विश्वसनीय दुकान है, जहां पर दूर दराज से यहां पर आलू की टिकिया पानी की पूरी का स्वाद चखने झांसी की जनता नारायण चाट भंडार पर आया करती है। उसी के मालिक हमारे बीच में कल्लू भैया जी मौजूद हैं। इनका परिचय बता दें, सदर बाजार व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं कल्लू भैया। जानते हैं कल्लू भैया जी से आखिरकार सदर बाजार में होने वाले 30 अप्रैल को चुनाव हो रहे हैं, पूरे वार्ड के 7 वार्डों के, आखिरकार वार्ड प्रत्याशियों को किस नजरिए से कल्लू भैया देखते आ रहे हैं, और जो व्यापारी होते हैं किस रूप से प्रत्याशियों को चुनने का काम करते हैं, क्या संभल पर अधिकतर व्यापारी वोट डालने का प्रयास करता है, क्या निर्दलीय लोगों को चुनने का काम करते हैं यहाँ के व्यापारी सदर बाजार के। कल्लू भैया से जानते हैं। कल्लू भैया, राम राम। राम राम साहब। भाई साहब, व्यापार की क्या, व्यापार मंडल की क्या स्थिति है आपके यहाँ, किस प्रकार से व्यापारी हैं आपके, प्रत्याशियों को संभल पे काम करते हैं, डालने का वोट का निर्दलीय लोग चुनाव में लोग। देखिए, संभल तो पिछले बार से ही चालू हुआ है, और सिर्फ एक पार्टी ने संभल दिया था पिछली बार, बीजेपी ने, बाकी सारे प्रत्याशी निर्दलीय थे। और एक्चुअली में क्या है कि ये वार्ड का चुनाव है, छोटा चुनाव है, ये आपसी प्रेम भाव के उससे लोग बाग वोट डालते हैं। ये जरूरी नहीं है कि सिंबल से डालते हैं, कि सिंबल मिलने पे ही उनका वोट मिलेगा। हाँ, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, हाँ थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है उसका, लेकिन लोग बाग आपसी व्यवहार, सामने वाले का व्यवहार कैसा है प्रत्याशी का, उसको देख करके ज्यादा पसंद करते हैं। व्यापार मंडल के अध्यक्ष की हैसियत से आपने सदर बाजार के अंदर ऐसे वो कौन से कार्य हैं जो आपने आगामी जो लोग बाग हैं आते हैं बाजार के अंदर, क्या आपने सुख सुविधाएं करने का काम किया? देखिए, हम लोग कोशिश तो पूरी करते हैं, और हम लोगों की मांग भी रहती है। जिस तरीके से कैंटोनमेंट से हम लोग पिछले कई वर्षों से एक प्रयास कर रहे थे कि यहाँ पे एक पिंक टॉयलेट होना चाहिए, जो कि महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो यहाँ व्यवस्था है नहीं, और सुलभ शौचालय एक आध बना हुआ है, वो भी इतना गंदा रहता है, उसके लिए हम लोग पार्षदों से भी बोल चुके हैं, सीईओ से भी बोल चुके हैं कि जो है किसी तरीके से यहाँ पे व्यवस्था बनाई जाए। अभी हम लोग को सिर्फ आश्वासन ही मिलता रहा है काफी टाइम से, लेकिन अभी हुआ नहीं है। अच्छा, बाटा चौराहे से लेकर पूरे जो पान वाले की दुकान है मेन चौराहे पे, यहाँ तक पूरी रोड के अंदर पूरी खुदा पड़ा है, तो आखिरकार बहुत दिन लग गया अभी तक सही ढंग से। इसके लिए भी ये जो रोड ऊपर से टेम्पररी डली है, इसके लिए व्यापार मंडल ने जाकर के हमारे यहाँ से जो महिला व्यापारी लोग थे वो भी, और कुछ व्यापारी थे वो लोग, सारे लोग जाकर के सीईओ से मिले हैं, तब जाकर के जो रोड की जो रिपेयरिंग हुई है, अभी रोड डली नहीं है क्योंकि जो सीवर लाइन खुद रही है, और सीवर लाइन खुदने की वजह से यहाँ पे काफी टाइम से ये सड़क का काम पेंडिंग पड़ा है। और पिछली बार जो रोड की जो रिपेयरिंग हुई है, ये व्यापारी लोग गए थे, उन लोगों ने जबरदस्ती उस हिसाब से रिक्वेस्ट करके कि साहब किसी तरीके से कम रिपेयरिंग हो जाए, गड्ढे भर जाए, जिस तरीके धूल उड़ रही थी इस समय, अब तो जो है काफी सुधार हो गया, क्योंकि रोड डल गई है तो उस पर जो रिपेयरिंग हो गई है उसकी वजह से धूल मट्टी से काफी निजात मिला है। एक सवाल और कर रहे हैं, मंगलवार को हमेशा सदर बाजार बंद रहा करता था, इक्का दुक्का दुकानें खुली रहती, जावर तो बहुत सी दुकानें खुली, 70% दुकानें खुली, आखिरकार एकता नहीं है व्यापार मंडल में? व्यापार मंडल में एकता है, लेकिन सरकार ने इस तरीके का भी कानून लागू कर दिया कि व्यापारी 7 दिन दुकान खोल सकता है। ये जो है आपका लेबर ऑफिस से, जो श्रम विभाग से, ये वहां से लिखवाना पड़ता है, और 7 दिन का दुकान खोलने का ये चालू कर दिया है प्रावधान, इसलिए व्यापारी बंद ही रखते हैं। अच्छा, जो लोग दुकान खोले उन्हें लिखवा के ले आए होते हैं? हाँ, लिखवा के ले आए हैं, और श्रम विभाग वाले जो बस केवल जो गस्टेड हॉलीडे होता है उसमें जरूर बाजार बंद कराने आते हैं, लेकिन व्यापारियों को चाहिए था कि ना कराएं, लेकिन अब लोग चाहते हैं कि हमें 7 दिन कमाए, उसमें किसी को रोक नहीं सकते, गवर्नमेंट का ही जो नियम आ गया तो कोई दिक्कत थोड़ी सी, किसी को जबरदस्ती थोड़ी से बंद करा सकते हैं। और ऐसा नहीं है, एकता तो हमारे बाजार में ऐसी है कि आज किसी दुकानदार के संग कोई घटना हो जाए, कोई बात हो जाए, तो सारा व्यापारी एक साथ इकट्ठा हो जाता है, एक आवाज पे सारी दुकानें बंद हो जाती है। और ऐसा नहीं है, पिछले कई बार कैंटोनमेंट से भी इस बात के पीछे पंगा हुआ है, कहीं अतिक्रमण को तोड़ने के पीछे या उसके पीछे, तो उसमें भी जो है पूरे व्यापारियों ने एकता दिखाई है। और इस समय जो है एक सबसे बड़ी समस्या है जो हम लोगों की है व्यापारियों की, कि अतिक्रमण के लिए हमारा व्यापार मंडल इसलिए सब साथ में है कि भाई किसी तरीके से सरकारी लोग जो है
सीईओ साहब प्लस हम लोग, अभी कल थाने में मीटिंग थी तो वहां भी थाने में हम लोगों ने उनसे कहा, थानेदार साहब से, कि आप उस अधिकारियों से बात करें या हम लोगों की एक मीटिंग कराएं जिससे कि जो अतिक्रमण जो सड़क के किनारे कर रखा है तो वो हटाया जाए। तो थानेदार साहब कहने लगे, साहब ठीक है, हम दुकानदारों का सब चालान कर देंगे। दुकानदारों का तो चालान कर दोगे आप, दुकानदार के अलावा जो और भी लोग हैं, जैसे कैंटोनमेंट 15 रुपए की रसीद काट देती है, अब उसके बाद जो बाहर ठेला लगाए या कोई खोखा लगाए सड़क के किनारे बिल्कुल लगाए हुए हैं, तो उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है क्या? आप उसके लिए कोई एक्शन नहीं लोगे, क्योंकि 15 रुपए की रसीद काट दी तो कैंटोनमेंट ने तो उनको परमिशन दे दी कि आप खड़े हो जाओ। तो ये तो कोई बात नहीं है ना कि दुकानदार जो ट्रेड टैक्स दे रहा है, वो पूरा टैक्स दे रहा है आपका, उसके बाद जो है लाइट का खर्चा, ये सब लेबर का खर्चा, ये सब करने के बावजूद भी केवल दुकानदार के किनारे जो सामान रखा है वही हटाया जाए। भाई अगर हम चाहते हैं कि हटे, जो दुकान पे बाहर लगाए हैं उनका सामान हटे, लेकिन साथ में ये जो अवैध जो लोगों ने लगा रखी है दुकानें, ये भी हटना चाहिए। भाई जैसे सड़क के किनारे आज बाटा चौराहे पे आप देख लीजिए, टर्निंग पे कितने ठेले खड़े हो जाते हैं, शाम के गाड़ियां मोड़ने में दिक्कत होती है, लेकिन एक व्यापारी की दुकान के आगे कोई गाड़ी खड़ी होगी तो पुलिस वाले आगे चालान करना शुरू कर देते हैं, ये गलत है। हम उसके लिए व्यापारियों के लड़ते हैं कि हाँ आप, हम आपके साथ हैं कि आप पूरा जो इंक्रोचमेंट है, जो आपने अतिक्रमण कर रखा है, उसके लिए आप हर तरीके से आप, हम लोग उनके साथ हैं, वो हटाया जाए, उसके लिए हम लोग साथ हैं, पूरे व्यापारी साथ है और व्यापार मंडल साथ चलता है। अभी थाने में भी क्या करके आए, सीईओ साहब से भी बोल करके आए कि साहब आप ये 15 रुपए की रसीद काटना बंद करें। भाई ये 15 रुपए की आप रसीद काट रहे तो वो ठेले वाले तो परमानेंट होगा ना आपके। और फिर क्या है कि अब ऐसे तो पर अतिक्रमण हटेगा नहीं, जब ठेले वाले लगाए तो हम दुकानदार क्यों हटाएंगे। जी हटे सदर बाजार व्यापार मंडल के अध्यक्ष कल्लू भैया, जो कि बताया गया है कि सदर बाजार के अंदर काफी सालों से महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट नहीं बनी हुई है। काफी सालों से कल्लू भैया मांग कर रहे हैं कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर, सीओ साहब से कई बार एप्लीकेशन दिया है, परंतु अभी तक सुनवाई नहीं हो रही। अब आखिरकार महिलाएं मार्केट आया करती हैं तो वो शौचालय के लिए कहाँ जाएंगी? सबसे बड़ा सवाल है कि सभी जगह बनने लगी हैं, मानिक चौक, फुटरी बाजार में बात करें, पिंक टॉयलेट हर नगर निगम में बन चुकी हैं, परंतु कंटोनमेंट बोर्ड की हालत अभी भी नाजुक है, कोई सुविधाएं नहीं है, कोई भी सुविधाएं नहीं है। कल्लू भैया बहुत सालों से पहल कर रहे हैं, देखने वाली बात है कि कैंट बोर्ड साहब कब इस समस्या का निराकरण करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय राम जी।